अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे झींगे का पुलाव। ये हमने झींगे लिए हैं, इतना हमने कांदा लिए, तीन कांदा हमने कटिंग करके रखे हैं। इसके अंदर अब हम तेल ऐड करेंगे, 3 चम्मच हमने तेल लिए हैं। इसके अंदर हम 3 कांदा जो कटिंग करके रखे थे वो ऐड करेंगे। कांदे को हम बादामी होने देंगे। इसके अंदर मैं कड़ी पत्ता ऐड करूंगी, ये हम इतना जीरा ऐड करेंगे। ये हमारा कांदा भी थोड़ा बादामी होने आया है। इसके अंदर हम बटाटे ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं झींगे ऐड करूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम मसाले भी ऐड करेंगे। ये हमने 3 टमाटर कटिंग करके लिए, ये हमने अदरक लहसुन हरी मिर्ची कोथमीर ये मैंने पीस डाली। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। नमक हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। अब इसके अंदर हम धनिया ऐड करेंगे। ये धनिया और जीरा हम ले रहे हैं कुटेला। इसके अंदर हम हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी हम इतनी लिए हैं। ये धनिया पाउडर मैंने ली हूँ, गरम मसाला पाउडर है। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनने देंगे। मेरा मसाला भुने गया माशाल्लाह। इसके अंदर मैंने मटाने भी थोड़े ऐड कर ली हूँ। अब इसके अंदर मैं एक लींबू का एक रस ऐड करूंगी, एक लींबू का रस ऐड करी मैंने। पर हमने चावल धो के ही रखे लिए हैं, ये हमने चावल लिए हैं धो के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें भी हम नमक ऐड करेंगे अपने जरूरत के हिसाब से, क्योंकि हमने पहले भी नमक ऐड करे ले गए। पानी मैंने पहले ही गर्म रखी हूँ। अब इसको हम ढक के रख देंगे, दम पे रखेंगे। ये देखो 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ये झींगे का पुलाव अच्छा बनता है माशाल्लाह। देखो इसका कलर भी मस्त आया एकदम। अब इसको हम रख दिए 10 मिनट में। हमारा पुलाव दम पे आ गया माशाल्लाह। ये देखो अच्छे से हो गया है और कलर भी अच्छा आया इसमें।